नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 मई दिन सोमवार। खबरों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगस्त से राज्य के 7 लाख घरों की छत पर लगेगा सोलर पैनल। जेई नीट के निःशुल्क कोचिंग में पढ़ाने के लिए करे आवेदन, 2 लाख रुपए मिलेंगे वेतन। दुबई में अपनी छुट्टियां मनाने गई मनीषा रानी का स्टाइलिस्ट लुक आया सामने। बिहार में 48 निरीक्षकों समेत 11 शिक्षकों का कटा वेतन। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। कॉलिंग के दौरान नहीं काम कर रहा इंटरनेट तो करेगी काम। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अप्रेंटिसशिप के पदों पर निकली भर्ती। रेलवे में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 1010 पदों पर आई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जून 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://pb.icf.gov.in/index.php पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में 50% अंक के साथ पास करना जरूरी है। साथ ही 10+2 में साइंस गणित विषय में पढ़ा हो। इसके अलावा ITI सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष तक होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। अगस्त से राज्य के 7 लाख घरों की छत पर लगेगा सोलर पैनल। 1 से 2 किलोवाट का सोलर पैनल राज्य के 7 लाख घरों में लगाने की तैयारी है, ताकि बिजली पर होने वाले खर्च को बचाया जा सके। इस सोलर पैनल से 1 पंखा, 4 बल्ब, फ्रिज और टीवी चलाया जा सकेगा। इस सोलर पैनल का लाभ उठाने के लिए 7 लाख लोगों ने बिहार डाक सर्किल की तरफ से डाकिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। सोलर पैनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को जुलाई तक सब्सिडी दे दी जाएगी और अगस्त के महीने से उनकी घर के छतों पर सोलर पैनल लगना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि 150 से 300 यूनिट के लिए 2 से 3 किलोवाट क्षमता का पैनल लगेगा, जिसकी सब्सिडी 60,000 से लेकर 78,000 तक की है। सोलर पैनल यूनिट लगवाने के लिए घर की छत का फोटो, लाभार्थी का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पिछले 6 महीने तक के बिजली का बिल देना जरूरी होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा के बारे में। अखिलेंद्र मिश्रा पेशे से एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। इनका जन्म बिहार के सिवान में 28 सितंबर वर्ष 1960 में हुआ था। ये कई प्रसिद्ध फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि चंद्रकांता में क्रूर सिंह की भूमिका से मिली थी। इन्होंने धारावी, बेदर्दी, वीरगति, सरफरोश जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें लगान में अर्जुन की भूमिका के लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार मिलना शामिल है। जेई नीट के निःशुल्क कोचिंग में पढ़ाने के लिए करे आवेदन, 2 लाख रुपए तक मिलेंगे वेतन। राज्य के 9 प्रमंडलों में संचालित जेई नीट के निःशुल्क कोचिंग में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवेदन की तिथि को जारी कर दिया गया है। इच्छुक योग्य शिक्षक 2026 के लिए ईमेल आईडी faculty@gmail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जून है। इच्छुक उम्मीदवार, इच्छुक और योग्य शिक्षक अपना अनुभव प्रमाण पत्र, सैलरी स्लिप का PDF तैयार करके 3 जून तक इस ईमेल आईडी पर भेजेंगे। इसके अलावा coaching.biharboardonline.com पर भी जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित शिक्षकों को हर महीने 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। शिक्षकों के चयन साक्षात्कार के माध्यम से होंगे। बिहार के जिस सिनेमा हॉल को अमिताभ बच्चन ने शराबी फिल्म किया था गिफ्ट, उसका मिटा अस्तित्व। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सिनेमा हॉल 4 स्टार को डेमोलिश करने का निर्णय लिया गया था और फिर बीते रविवार को ये ताश के पत्तों की तरह चंद सेकेंड में ही ढह गया। ये सिनेमा हॉल अमेरिका में रह रहे पूर्णिया के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन राय का था। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मोहन राय ने अमिताभ बच्चन की अमेरिका में जान बचाई थी, इसलिए उनके सिनेमा हॉल के उद्घाटन में अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपना शराबी फिल्म मुफ्त में दिया था। 1984 में इस सिनेमा हॉल का उद्घाटन करने अमिताभ बच्चन खुद आने वाले थे, लेकिन उस समय में सुरक्षा को लेकर वे यहाँ नहीं आ सके। लेकिन अब 40 साल बाद डॉक्टर मोहन राय की मृत्यु के बाद सिनेमा हॉल और इसकी जमीन बिक गई है, जिस वजह से इसे डिमोलिश कर दिया गया। हालांकि पूर्णिया के लोग इसके डिमोलिश से थोड़े मायूस भी हैं।
गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हज यात्रियों का जत्था हुआ रवाना। बीते दिन गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हज यात्रियों के जत्था की रवानगी शुरू हुई है। इस दौरान दो फ्लाइट से उड़ान भरा गया। इसमें पहले फ्लाइट में 159 हाजी मौजूद थे, जिसमें 74 पुरुष और 85 महिला रही। वहीं दूसरे फ्लाइट में 161 हाजी मौजूद थे, जिसमें 92 पुरुष और 69 महिला शामिल रही। हज यात्रा को लेकर कई व्यवस्थाएं करवाई गई थी, ताकि हज यात्री को किसी तरह की समस्या ना हो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कई सुविधाएं रखी गई हैं। लू वाली गर्मी को देखते हुए भी ठंडे पानी और ORS व कई चीजों की व्यवस्था की गई है। आज पटना में डॉक्टर AB प्रसाद ऑल इंडिया वुमेन्स लॉन टेनिस का होगा आगाज। आज यानी 27 मई से डॉक्टर AB प्रसाद ऑल इंडिया वुमेन्स लॉन टेनिस टूर्नामेंट का पटना के पाटलिपुत्र टेनिस सेंटर में आगाज होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 5 दिवसीय होगा, जो 31 मई तक चलेंगे। इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर अखौरी विश्व प्रिया है, जिन्होंने बताया कि ये टूर्नामेंट AB प्रसाद और इंडिया टेनिस का तीसरा लीग है। पहली बार विमेंस टीम को लीग में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य में महिलाओं की पूरी 11 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जिसमें कर्नाटक, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा शामिल है। वहीं 32 टीमें पुरुष वर्ग से भी भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में विजेताओं को 1,00,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। खिलाड़ी मैच में अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए सेशन चलाए जा रहे हैं, ट्रेनर रखे गए हैं, साथ ही उनके फिटनेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में PG वोकेशनल सेमेस्टर 2 और 4 के परीक्षा फॉर्म की डेट हुई जारी। PG वोकेशनल सेमेस्टर 2 और 4 में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। ये परीक्षा फॉर्म 26 से 29 मई तक ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय के परीक्षक नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि जनरल और BC2 श्रेणी के विद्यार्थियों को 1520 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के बच्चों को इसके लिए 940 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा सेमेस्टर 4 के लिए जनरल और BC2 श्रेणी के बच्चों को 2420 और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 1840 रुपये जमा करने होंगे। दुबई में अपनी छुट्टियां मनाने गई मनीषा रानी का स्टाइलिस्ट लुक आया सामने। बिग बॉस में पहचान मिलने और झलक दिखला जा सीजन 11 की ट्रॉफी जीतने के बाद मनीषा रानी इन दिनों दुबई में काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं। मनीषा दुबई में अपने परिवार के साथ पहुंची हैं। परिवार के साथ अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हुए मनीषा रानी ने कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीर में उनके भाई और उनके पिता दोनों ही उनके साथ नजर आ रहे हैं। मनीषा इस तस्वीर में वाटर राइडर पर बैठी हैं। उनके कपड़े उनके राइडर से मैच खाते नजर आ रहे हैं। मनीषा ने इस दौरान गहरे नीले रंग के कोऑर्ड सेट पहन रखे हैं। उनके इस स्टाइलिस्ट और कूल लुक को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। बिहार में 48 निरीक्षकों समेत 11 शिक्षकों का कटा वेतन। अररिया जिले के भरगमा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ब्रह्मोत्तर चकला के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई की गई है। दरअसल इस स्कूल में प्रभारी सहायक निदेशक MDM रुपेंद्र कुमार सिंह निरीक्षण के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक विभागीय आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही ये अध्ययन सामग्री बना रहे हैं, जिस वजह से स्कूल के प्रधानाध्यापक और 11 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है और इनके 1 सप्ताह के वेतन को काटने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 21 और 22 मई को स्कूलों का निरीक्षण कर फोटो अपलोड नहीं करने पर सीतामढ़ी जिले के 3 प्रखंडों के 48 निरीक्षकों पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के तहत इनके 2 दिन के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। जिन 3 प्रखंडों में कार्रवाई हुई है उसमें रूनी, सैदपुर, डुमरा और परिहार शामिल है। बिहार के राजगीर के सोन भंडार में आपको ये सब देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे बिहार के राजगीर जिले के सोन भंडार की। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान पर प्राचीन काल में जरासंध का सोने का खजाना था। कहा जाता है कि अब इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल मात्रा में सोना छिपा है और पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खुदा हुआ है। सोन भंडार नामक ये गुफा राजगीर के विभारगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि खजाने को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने तोपों से गुफा के दरवाजे को तोड़ना चाहा, पर वो भी इसमें नाकाम रहे। कॉलिंग के दौरान नहीं काम कर रहा इंटरनेट तो करेगी काम। कई बार फोन पर बात करने के दौरान ऐसा होता है कि हमारे फोन का इंटरनेट काम नहीं करता है या इंटरनेट का हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं।
यदि आप फोन पे बात करने के दौरान भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स में थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आप फोन के सेटिंग में आए, यहाँ पर सिम एंड नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद सिम के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ आप अपने सिम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स दिखेगा, यहाँ इंटरनेट पर क्लिक करके नीचे जाएं। फिर नीचे में आपको बेयरर का ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ एलटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप ओके का ऑप्शन क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही जब भी आप कॉल से बात कर रहे होंगे तब आपका इंटरनेट काम करेगा। पटना के मसौरी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम नीतीश की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार पटना के मसौरी गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां सीएम नीतीश पाटलिपुत्र से एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में वोट अपील करने आए थे। जब जनसभा खत्म हुई और सीएम नीतीश यहां से वापसी के लिए अपने हेलीकॉप्टर के लिए बढ़े तो पता चला कि हेलीकॉप्टर का तेल ही खत्म हो चुका है, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी मानी जा रही है। इस लापरवाही की खबर सुनते ही सीएम नीतीश थोड़े नाराज भी हो गए और बिना समय गवाए हुए सड़क मार्ग से निकल गए। इस मामले को लेकर हेलीकॉप्टर पायलट ने बताया कि मसौरी आने से पहले आनन फानन में तेल लेना ही भूल गए थे। तेल खत्म होने के कारण गांधी मैदान मसौरी में करीब एक घंटे से हेलीकॉप्टर खड़ा रहा। इसे देखने के लिए कई लोग यहां जमा भी हो रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के साथ क्रिकेटर आकाशदीप को मंच साझा करना पड़ा भारी। बिहार क्रिकेटर आकाशदीप को रोहतास जिले से मतदाता जागरूकता अभियान में स्वीप आइकन बनाया गया था ताकि वे मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर सके, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा अब उन्हें स्वीप आइकन से हटा दिया गया है। दरअसल क्रिकेटर आकाशदीप ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के साथ मंच साझा किया था और पवन सिंह के समर्थन में वोट अपील की थी। इस दौरान पवन सिंह के समर्थन में कई भोजपुरी एक्टर और गायक देखे गए, जिस वजह से आकाशदीप पर ये कार्रवाई की गई है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। आज प्रदेश के तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। प्रदेश के कई भागों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच देखने को मिल सकता है। पवन सिंह के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादव। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। सभी आखिरी चरण में मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। सातवें और आखिरी चरण का ये चुनाव बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाला है, जिसमें काराकाट सीट भी शामिल है। यहाँ से पवन सिंह के आने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। इस सीट से पवन सिंह के समर्थन में दूसरे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी आगे आ चुके हैं। पवन सिंह के समर्थन में खेसारी लाल यादव ने कहा है कि पवन सिंह सेन हैं और वो अकेले ही काफी हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। आगे खेसारी लाल यादव ने कहा कि जो कमजोर होते हैं वो राजनीतिक दल का सहारा लेते हैं और पवन सिंह कमजोर नहीं है। AKU MBBS छात्र रिजल्ट सुधारने के लिए जिनसे कर सकते हैं आवेदन। AKU में MBBS छात्रों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गड़बड़ी का मामला सामने आते ही छात्र काफी आक्रोशित नजर आए और सड़कों पर उतर गए। इस मामले को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने गंभीरता से लिया है। मामले को लेकर सभी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत भी की थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें आवेदन का विकल्प दिया था। तो जिन भी बच्चों को मूल्यांकन संबंधी शिकायत है वे आज से स्क्रूटनी कर सकते हैं। इसके अलावा इस मामले की सत्यता की जांच भी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच इस नेता के इस्तीफे से जदयू को लगा झटका। जदयू को इस वक्त एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल संदेश के पूर्व विधायक और जदयू नेता रहे विजेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की यह घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविवार को की है। विजेंद्र यादव जब पार्टी से मोहभंग होने पर इस्तीफे की घोषणा कर रहे थे तभी पटना से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनके 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन का पत्र दर्ज जारी कर दिया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि वे आज आरा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा में राजद के साथ आ सकते हैं। विजेंद्र यादव ने और भी लोगों के साथ पार्टी छोड़ने का दावा किया है।
बिहार में चुनावी जनसभा करने पहुंचे अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कैमूर और काराकाट सीट पर चुनाव प्रचार किया और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट अपील की। उन्होंने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तेल पिलावन लाठी घुमावन का राज खत्म हो गया है, अब मोदी जी के विकास का टाइम चल रहा है। आगे अमित शाह ने कहा कि लालू यादव सामाजिक न्याय पर बस गोल गोल बात करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने कभी भी भारत रत्न देने की चर्चा नहीं की है। ये काम करके नरेंद्र मोदी ने देश भर के पिछड़ों को सम्मान दिया है। पीएम मोदी द्वारा विपक्षियों के लिए मुजरा शब्द के इस्तेमाल पर भड़का विपक्ष। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर इन दिनों काफी सियासत हंगामा होता दिख रहा है। राजद और कांग्रेस दोनों ही पार्टी पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर निशाना साध रही है। राजद से सांसद मनोज झा ने कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो दैवीय रास्ते से आए हैं, जो दैवीय रास्ते से आया है वो मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी ने बिहार में एक चुनावी रैली में विपक्षी नेताओं के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल करके बिहार का अपमान किया है। मोदी की इस अमर्यादित टिप्पणी को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की पावन भूमि पर ऐसे टिप्पणी को कर उन्होंने यहाँ के लोगों का अपमान किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विधान परिषद के सभापति का बयान आया सामने। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर बिहार विधान परिषद के सभापति और सीतामढ़ी से जदयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जदयू बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वचनबद्ध है। इस बार केंद्र में मोदी की सरकार बनने दीजिए, हम विशेष दर्जा बिहार के लिए लेकर रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। केंद्र में तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री होंगे। आपके मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना कितना सही है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आईपीएल फाइनल में केकेआर की हुई धमाकेदार जीत। रविवार को एसआरएच और केकेआर के बीच आईपीएल का फाइनल मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में केकेआर ने 8 विकेट से मैच जीते और खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि केकेआर ने आईपीएल का ये मुकाबला तीसरी बार अपने नाम किया है। इससे पहले साल 2012 और 2014 में केकेआर ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी। केकेआर ने मैच अपने नाम करते ही मैदान में जमकर जश्न मनाया। फाइनल मैच के बाद अवार्ड शो का आयोजन हुआ था। इस दौरान विजेता टीम और रनर अप टीम पर पैसों की बरसात हुई। इस आयोजन के दौरान जिन भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किए थे उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 20 करोड़ रुपए मिले तो वहीं एसआरएच को 13 करोड़ रुपए दिए गए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 27 मई वर्ष 1964 में आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1962 में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे धमाकेदार खिलाड़ी रवि शास्त्री का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1951 में बॉम्बे में तारापुर वाला मछली घर का उद्घाटन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1957 में कॉपीराइट विधेयक को मंजूरी दी गई थी। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। सुपर कंप्यूटर लाने की तैयारी कर रहे एलन मस्क। एलन मस्क ने इन्वेस्टर से कहा है कि वो साल 2025 के आखिरी तक सुपर कंप्यूटर लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि मस्क इन दिनों सुपर कंप्यूटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने कहा है कि XAI चैटबॉट को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए कई चीप को एक सिंगल और विशाल कंप्यूटर में जोड़ना चाहते हैं, जिसका नाम मस्क ने गीगा फैक्ट्री ऑफ कंप्यूटर रखा है। मस्क अपने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित भी हैं और उन्होंने 2025 के आखिर तक इसे शुरू करने की जिम्मेदारी भी ली है। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने वैकेशन को बना सकते हैं सस्ता। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे होंगे। आप अपने इस वैकेशन को कैसे सस्ता बना सकते हैं, आज हम आपको इसी के टिप्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है फ्लाइट बुक करना। जब भी आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो सीधे फ्लाइट बुक करने की बजाय किसी साइट की मदद से फ्लाइट को बुक करें, जैसे स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट। इसके जैसे और कई साइट्स होंगे जिसकी मदद से आप सस्ते में फ्लाइट बुक कर सकेंगे, लेकिन जिस भी साइट से आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं वो फर्जी तो नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जब आप डायरेक्ट किसी होटल को बुक करेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए इसके बजाय आप ट्रिप एडवाइजर या ट्रिवागो.com जैसे होटल सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी वैकेशन पर जा रहे हैं तो आप होटल का कमरा बुक करने के बजाय एयरबीएनबी जैसी साइट्स पर पूरी प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। यहाँ आप खुद से खाना भी बना सकते हैं और अन्य होटल के मुकाबले ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल करेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है बेंगलोर हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है पटना हाई कोर्ट। इसका सही उत्तर है कोलकाता हाई कोर्ट। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है यथर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्वेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? ऑप्शन है रोहतासगढ़, ऑप्शन बी है सुपौल, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है रोहतासगढ़। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है चंचला झा, सपना कुमारी, पंकज कुमार दास, आदुल्ला पालवी, कृष्णा कुमार, अतीक खान, मंटू कुमार, रविंद्र राज, सूरज कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, अवधेश कुमार, विद्यासागर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल 2024 में आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।